अच्छा एक सवाल और ले लेते हैं, फिर चलते हैं वहाँ के आईपीओ सेगमेंट में। एनएचपीसी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, किसी ने 110 पे लिया है, किसी ने 154 पे लिया है, एक का सवाल है 108 रुपये पे एनएचपीसी लिए हुए हैं। तो सीरीज लगी हुई है एनएचपीसी को लेकर के लोगों के सवाल पूछने की। एनएचपीसी पे क्या सलाह रहेगी सर आपकी, अभी क्या करना चाहिए, काफ़ी लंबे समय से एक दायरे में फंसा हुआ है शेयर। अरे सतलज जल विद्युत और इसके ऊपर, अरे एक हाइट से आप टरबाइन के ऊपर पानी डालोगे, मैग्नेटिक फील्ड में बिजली बनेगी। अरे कहाँ है पानी इंडिया में? इंडस का पानी हम पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र का पानी हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, पानी इंडिया में? आप यार फिर वही हाइडल हाइडल की बात कर रहे हो। अरे 30 रुपए से शेयर 100 रुपए का हो गया, आप क्या करें? 1000 रुपए हो जाएगा ये शेयर, कैसे हो जाएगा? क्या कैपेसिटी क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन क्या है? अरे डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट इज वेरी हाई माय डियर फ्रेंड, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज वेरी डिफिकल्ट। वो जैसे मैंने आपको बोला सर, इट इज नॉट इजी हाइडल प्रोजेक्ट को ये करना। यू आर ब्लॉकिंग द रिवर, यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। आप क्या कहना चाहते हैं कि चाइना की तरह हम भी, अगर हमारे पास पानी हो तो हम भी 20,000 मेगावाट का एक पानी डैम बना दें ये बिजली बनाने के लिए? अरे 30,000 पानी अगर हमारे पास है, जैसे हमने सरदार सरोवर बनाया या हमने भाखड़ा नंगल बनाया, बट दीज आर नॉट पावर प्रोजेक्ट्स, दीज आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो ये एनएचपीसी के ऊपर जो सवाल है ना कि एनएचपीसी पता नहीं कहां से क्या जाएगा, कोई नहीं मिलेगा आपको इसमें, कुछ नहीं मिलेगा। आज इतने दिल से बोल रहा हूं, कुछ नहीं मिलेगा। निकल जाए फिर। अरे और क्या जानकी नंदन, अब इसके बाद क्या करें, उसको होल्ड करके रखें? इतनी यार आवाज जोर से बोलता हूं, एसिटिक एसिड से मेरा गला खराब हो गया, गाना भी नहीं गा सकता हूं मैं। अरे सर गा दिया कीजिए, मतलब हमारे दर्शक जो आपको हमेशा गुस्से में देखते हैं, कम से कम गाना गाते हुए देखेंगे तो उनको मतलब और खुशी होगी। तो चलिए फिलहाल एनएचपीसी में जो है, जो आप लोगों को नुकसान हो रहा है उसको बुक कर लीजिए। यहाँ पे अभी फिलहाल जो है बहुत तेज़ी की उम्मीद नहीं है, ऐसा मानना है राजेश तामे जी का।